कोई रोक टोक नहीं है यार. ये मैं क्या बोल बैन मारा ना तपे. बहुत टाइम बाद, बहुत मेहनत के बाद आखिर जगह मिल गई जहाँ मैं आराम से बैठ के आपको सब कुछ बता सकूँ. तो व्यूअर्स, सबसे पहले सबको अस्सलाम वालेकुम यार एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग. सो यार, जैसा कि टाइटल से आप सबको आइडिया हो गया होगा किस बारे में बात करने जा रहा हूँ ये व्लॉग, किसके हवाले से. जी हाँ, ये व्लॉग इनोवेशन 2019 के हवाले से है और वो हो रहा है फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी में, और मैं अपनी फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी के फ्लोर पर मौजूद हूँ, छत पर, क्योंकि इससे सुकून वाली जगह मुझे और कहीं नहीं मिली. क्योंकि जब से इनोवेशन स्टार्ट है तब से लेकर अभी तक फर्स्ट टाइम इनोवेशन 2019 में 600+ टीम रजिस्टर्स हुई हैं. कि अगर आपको आज के इवेंट्स के बारे में बताते चलो तो आज के इवेंट्स में मौजूद हैं ओपनिंग सेरेमनी, किरत, नात, क्रिकेट, स्पीड प्रोग्रामिंग, पीसीबी डिज़ाइनिंग, ई गेमिंग, एसे राइटिंग और एसे राइटिंग इंग्लिश, एसे राइटिंग उर्दू में भी, एसे राइटिंग इंग्लिश में भी. तो यही कॉम्पिटिशन, यही इवेंट्स है आज के दिन में. और अभी मैं एडिटोरियम में बैठा हूँ और इधर ही होनी है ओपनिंग सेरेमनी. और पहला काम मुझे जो दिया गया वो ये दिया गया कि डेकोरेशन है उसको आपने कवर करना है, क्योंकि डेकोरेशन के साथ ऐसा कुछ होता है कि जब लोग आते हैं, जब स्टूडेंट्स आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से, और आगे पीछे जब वो शुगर मेला लगाते हैं, जो डेकोरेशन हुई होती है ये नहीं रहती, सब कुछ उखाड़ के रख देते हैं. इस वजह से उन्होंने कहा कि जो हमने डेकोरेशन की हुई है फर्स्ट टाइम आके पहले हाथ ही आप इसको आके कवर कर लो, ताकि जो डेकोरेशन हमने मेहनत की हुई है वो लोगों को भी नज़र आए मेरे ब्लॉग के. कुछ ही देर में ओपनिंग सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है. मैं कंपनी की ज़रूरत में था, ठीक है, कि मुझे कोई कंपनी मिले. और ये आकिब साहब आ गए हैं, ये इवनिंग के स्टूडेंट थे पहले, लेकिन ये धोखा करके मॉर्निंग में शिफ्ट हो गया. नहीं यार, धोखा तो नहीं किया. नहीं नहीं नहीं, आकिब साहब हम बच्चियों के पीछे गए थे यार. अच्छा, इवनिंग में नहीं थी. लेकिन हमारी किस्मत में छड़ा लिखा है. अच्छा। इवनिंग में भी छड़े, मॉर्निंग में भी छड़े. बस यही होता है ना भाई, दोस्ती से आगे और कोई चीज नहीं होती. हम आए भी छड़े थे, जाएंगे. आपने बेवफाई की है तो आपके साथ ऐसा होना है ना. नहीं नहीं यार, अगर मुझे कंपनी मिल गई है अब मजा आएगा. मैं इसी का वेट कर रहा था, एक यही बंदा है मॉर्निंग में जाने वाला और कोई नहीं. हम रे इवनिंग के स्टूडेंट, छोटे मोटे लोग. ये आपको यूनिवर्सिटी घुमाते हैं हम. अच्छा, मॉर्निंग का माहौल दिखाते हैं. ऐसे मैं तेरा वेट कर रहा था कि तू मुझे नाश्ता कराएगा. मैंने खुद काट लिया. पेमेंट देते आपको. मैंने खुद काट लिया. तू लेट हो गया, तुझे तब मैंने टेक्स्ट किया था. बाकी आज पहले दिन में इतना कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है दिखाने को, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आज के दिन में सिर्फ ओपनिंग सेरेमनी, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ भी नहीं. और इनोवेशन इवेंट जो है वो शाम 5 बजे तक चलता है, उसके बाद इवनिंग में क्लासेस होती है. इस इवेंट के बाद इवनिंग में लेनी है क्लासेस. बाकी वजह यही है कि मैं चीज़ें आपको कम इसलिए दिखा रहा हूँ, हर इवेंट को, ओपनिंग सेरेमनी को भी कम मैंने आपको इसलिए दिखाई, क्योंकि आपको अगर ज़्यादा दिखाऊंगा तो आप बोर हो जाओगे. सही साफ सी बात है, क्योंकि मुझे आपका पता है आप ज़्यादा वीडियो आधे में छोड़ के चले जाते हैं. बेशक 5 मिनट की वीडियो तो आप आधे में छोड़ के चले जाते हो, ये तो फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, कितने 4 मिनट की भी हो सकते हैं, 5 मिनट की भी हो सकते हैं, 7 मिनट की भी हो सकती है, आप क्या पता कहाँ छोड़ के चले जाओ. इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं आपको चीज़ें कम कम दिखाऊँ ताकि आप बोर ना हो और मेरी वीडियो एंड तक. बाकी अब मैं छत पे आया ही हूँ तो आपको यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द का व्यू ही दिखा देता हूँ. इस यूनिवर्सिटी के बारे में आपको एक बात बता चलूँ,
है ये यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग छोटी, लेकिन ये मेन जीरो पॉइंट पे है और इसके इर्द गिर्द जो व्यू है ना, लेट मी शो यू। ये इस यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने, साथ ही यहाँ से पैदल तकरीबन 5 मिनट लगते हैं आप नेशनल मोनूमेंट पहुँच जाओगे। और ये सारा सामने ग्रीन बेल्ट है नीचे करके, ये सामने छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। बाकी ये था आज का दिन, कल के दिन में मिलते हैं।